हाल में लाल टाई, घर में एक चार पाई, तकिए की फिक्र न कर, बनूंगा मैं खुद रजाई, कमर से लगा लूंगा। माधुरी दीक्षित के गाने पर सीमा हैदर का डांस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सचिन के साथ पाकिस्तानी भाभी के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। प्यार को पाने के लिए सीमा पार करके आई, सीमा हैदर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और रोजगार बंद हो जाने की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर जैसे ही सचिन के पिता नेत्रपाल ने घर के हालात बयां किए, मदद के लिए हाथ बढ़ने लगे। चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को फिल्म से लेकर 50,000 रुपए की नौकरी तक के ऑफर मिल चुके हैं। ऑफर मिलने के बाद सीमा हैदर ने अपनी फिल्मी हसरत जाहिर कर दी। सीमा हैदर ने कहा कि एटीएस से क्लीन चिट मिल जाने के बाद वो फिल्मों में काम करना चाहेंगे। ऑफर दी गई है जानी की मजबूरी, तो आई थिंक अगर क्लीन चिट मिल जाते सब कुछ क्लियर आ जाता है तो आई थिंक मैं करूंगी, मेरी इच्छा है, मेरा हमारी सपोर्ट हो जाएगी तो आई थिंक मैं करूंगी। पाकिस्तानी भाभी ने कहा कि वो डांस करना जानती है और रील बनाना भी उन्हें काफी पसंद है। सीमा हैदर ने कहा कि जांच में क्लीन चिट मिल जाने के बाद वो फिल्म में काम करने को तैयार है। सीमा के फिल्मी अदाकारा बनने की संभावना को देखते हुए प्रोड्यूसर अमित जानी ने उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की टीम ने इसी सिलसिले में सीमा हैदर से मुलाकात भी की। फिल्म डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भरत सिन्हा ने सीमा हैदर का ऑडिशन लिया। आपको बता दें, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कन्हैया लाल मर्डर केस पर बन रही फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी में वो रॉ एजेंट के किरदार में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। जानी का कहना है कि वो सीमा और सचिन के आर्थिक संकट को दूर करना चाहते हैं। सीमा ने भी भारतीय परंपरा के अनुसार घर पहुंचने पर अमित जानी के पैर छुए। वहीं फिल्म निर्माता ने उन्हें भगवा शॉल उड़ाकर सीमा का स्वागत किया। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर खासकर इंस्टाग्राम पर सीमा के डांस वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। पबजी गेम खेलते खेलते हिंदुस्तान के सचिन मीणा को दिल देने वाली सीमा भाभी हाजिर जवाब है और मीडिया कैमरे के सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों फर्राटेदार ढंग से बोलती। सीमा और सचिन को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 7 जुलाई को उन्हें जमानत दे दी गई। सीमा के जासूस होने के दावे की एटीएस जांच कर रहा है और इस सिलसिले में उनसे कई बार पूछताछ हो चुकी। ऐसे में अगर एटीएस सीमा हैदर को क्लीन चिट दे देता है तो पाकिस्तानी भाभी बड़े पर्दे पर रॉ एजेंट के किरदार में नजर आएंगी।